आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। भक्ति में लीन शिवराम बाबा को आखिर क्यों 7 साल से विराजित भक्ति और ध्यान में लीन बाबा को अचानक छोड़नी पड़ी आसन। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिलादेही का है, जहां भगवान की भक्ति में लीन एक बाबा जिसका नाम शिवराम बाबा, जिन्होंने ग्राम सिलादेही हसदेव नदी किनारे में भक्ति और प्रभु के ध्यान में अपना स्थान ग्रहण कर आंख बंद कर भक्ति में लीन हो गए, जिसकी सेवा ग्रामीण के साथ साथ आसपास के लोग भी बाबा को देखने और पूजा करने आते थे। लेकिन तारीख 7 नवंबर को क्या कुछ ऐसा हो गया कि बाबा को आसन छोड़ने पर अब प्रभु की महिमा छोड़कर उठने को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि करीबन दरमियानी रात्रि के 1 बजे गांव के ही 2 शराबी शराब के नशे में बाबा जी के साथ दुर्व्यवहार और उनको इस जगह को छोड़कर चले जाने को बोला गया और नहीं हटने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। बाबा ने क्या सोचा और क्या समझा उस जगह को, भक्ति भरी लील जगह को छोड़कर 8 नवंबर को कहीं चले गए, जिसके बाद गांव में सभी तरह बाबा का ध्यान छोड़ने वाला बात तूल पकड़ने लगा और बाबा जी जहां विराजमान किए थे उस जगह पर गए, लेकिन बाबा जी वहां नज़र नहीं आए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। फिर पता चला कि बाबा सत्यनारायण रायगढ़ के लिए प्रस्थान हो गए हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गाँव के ही 2 लोग हैं जिन्होंने शराब के नशे में बाबा जी को आश्रम छोड़ने पर मजबूर किया और उन्हें कई प्रकार का प्रताड़ित भी किया, बाबा को मजबूरन छोड़ने बढ़िया सब, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों पर शिकायत दर्ज कराई। 151 की धारा के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज होंगे, लेकिन फलक दोनों का आनंद फानन में जमानत हो गया, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और कई गांव और ग्रामीण बहुत ही संख्या में लोगों ने एक साथ गांव में बैठक किया, जिस पर सभी लोगों का कहना है कि बाबा जी को दोबारा विधि विधान से गांव लाया जाए और बैठक में थाना प्रभारी और तहसीलदार की उपस्थिति में उन पर कड़ी कार्रवाई की भी ग्रामीणों ने मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होने पर उक्त आंदोलन करने की भी बात कही। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राछा भाटा से बालेश्वर की सरपंच के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें ग्राम सिलादेही में रह रहे तपस्वी बाबा के स्थान में 2 असामाजिक व्यक्तियों द्वारा जाकर के गाली गलौज किया गया था, इस संबंध में आवेदन दिया गया है, इस पर उचित जांच कर कार्रवाई की जा रही है। जिस आवेदन में जैसा उल्लेखित होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम कैलाश साहू है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का खंड सिलादेही स्तर में सहसंयोजक हूँ। आज हमारे ग्राम सिलादेही में लगभग 7 वर्षों से बाबा शिवराम अपने तपस्या में लीन थे, जो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ नहीं दे रहे थे। वो अपने तपस्या में 24 घंटा लीन रहते थे, लेकिन लगभग 7 नवंबर की रात को 2 व्यक्ति जिनका नाम नेता दिव्य और डिस्को रुद्रनारायण उपाध्याय के द्वारा शराब के नशे में बाबा जी के पास पैसे का डिमांड किया गया और पैसा न देने पर उन पर मतलब डंडे से वार किया गया, जिसका हमारा बजरंग दल घोर निंदा करता है। ये हमारे धर्म के प्रति बहुत बड़ी आघात है। हम चाहते हैं कि उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा हम प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। मैं इतना कहकर अपने वाणी की राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोहन कुमारी साहू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत देवरानी, जनपद सदस्य के पद पे अभी वर्तमान में हूँ और महिला कमांडो की जिला अध्यक्ष की नेतृत्व करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस गांव में जो आज शिवराम बाबा जी के प्रति अत्याचार हुआ है, तो उस अत्याचार के विषय में हम ग्राम पंचायत के समक्ष में यहाँ पे 1 दिवसीय बैठक रखा गया है और इस बैठक में हमारे समस्त महिला कमांडो के पदाधिकारी से लेकर सदस्यगण और हमारे महिला समूह के सभी बहनों ने उपस्थिति दी है। हमारे महिला का ये मांग है, हम सब बहनों का मांग ये है कि इस गांव में गांजा बिक्री से लेकर शराब बिक्री हो रही है, उसको हम लोग रोकना चाहते हैं और रोक लगाने के लिए हम थाना प्रभारी से निवेदन करते हैं कि हमारा सहयोग प्रदान करें और ग्राम पंचायत से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारा सहयोग प्रदान करें। उसके बाबा जी जो नहीं है, घटना जो घटा है यहाँ पे, तो बाबा जी के साथ में जो अत्याचार की, उनको सजा से सजा मिलना चाहिए और बाबा जी को पुनः
वापस ला के बाबा जी को उसके स्थान पर बैठाना है। हमारा मांग ये है महिलाओं का। हम सभी महिलाएं चक्के जाम पे बैठ जाएंगे, थाना घेराव करेंगे, थाना के साथ साथ मुख्यमंत्री के पास भी जाके अपन ज्ञापन सौंपेंगे। मैं ग्राम पंचायत सरपंच रामधन सारथी। हमारे इस ग्राम में एक बासुराम बाबा जी बैठे थे मौन धारण में, जिसमें नेता दिव्य और रुद्र नारायण उपाध्याय डिस्को, जो दोनों व्यक्ति दारू पिए हुए थे और यहाँ पे आकर उन लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज और पैसा मांग रहे थे दारू पीने के लिए और जान समेत मारने की धमकी दे रहे थे। और यहाँ के जो सेवक जो थे वो मेरे को बुलाने गया घर। मैं आया देखा तो वास्तविक में नेता दिव्या यहाँ पे लड़ाई उड़ाई करने के लिए मूड में था, डंडा उंडा रखा था और गाली गलौज चल रहा था उनका। तो मैं उनको समझाइश दिया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो नहीं मैं इनसे पैसा लूँगा, ये मेरे को गाली गलौज दिया था, ये बाबा जी मेरे को मारा ऐसे करके बोला। कैसे मारेगा वो? तो वो बोला कि नहीं मेरे को मारा, नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसे करके मैं उनको समझाया और वो समझाते समझाते उनको मैं बोला कि रुको यहाँ पे, तो भाग गया वहाँ से। और इसके बाद गाँव वाले लोग भी, मतलब पता चला कि गाँव वाले लोग ऐसे ऐसे हो रहे हैं करके कि मतलब वहाँ बाबा जी को मार दिए हो गए करके, तो आक्रोश में आकर यहाँ पे गाँव वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो मैं उन लोगों से मैं अनुरोध किया कि भाई मैं सबको बुलाऊंगा और शांत है उसको मैं बैठाऊंगा ऐसे करके बोला था। आज उसका मीटिंग किए थे और गांव वाले को साथ में लेकर उनको मतलब लाने के व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि बाबा जी फिर यहाँ पे दोबारा आए और गांव का जो क्षति और जो हमारे धर्म आस्था का जो ठेस पहुँचे उसको पुनः मैं वो ठीक हो जाए ऐसे करके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और पूरे गाँव वाले लोग चाह रहे हैं कि ठीक है सब हो जाए और जो गलती किए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और मैं थाना से और पूरा शासन से मैं चाहता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। अभी बाबा कहां गए? बाबा अभी मैं सुनता हूं कि वो रायगढ़ में है ऐसे करके मैं सुनना सुनाई पड़ रहा है। तो हम लोग रायगढ़ जाएंगे हम लोग उनको लेने के लिए, पूरा ग्रामवासी और हमारे आए हुए जनप्रतिनिधि जी सब करके जाएंगे वहां, उनसे मनाएंगे उनको लाएंगे यहां पे। रायगढ़ तो जो आ रहे हो? रायगढ़ मैं सुना हूं आश्रम है वहां पे एक बाबा धाम, तो वहीं पे है ऐसे करके सुन रहा हूं। नारायण बाबा के पास, सत्यनारायण बाबा के पास यदि हो सकता है तो वहीं पे होंगे, तो हम लोग जाएंगे उनको लाएंगे मनाएंगे और उसको यहाँ पे फिर से दोबारा बैठाकर उनका पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद नहीं नहीं ये गलत है, नहीं मार पाए अपने वो तो अपने अपने बचाव के लिए कुछ के आसन से उठते नहीं, लेकिन जबरन उनको आसन से हिलाया डोलाया, उसके जो वहाँ पे एक आग लगा हुआ रहता है उसमें से राख का भभूत उठाकर उसके सिर में डाल दिया है ना, उसको अपमानित किया गया है, उसको डंडे से मारा गया है ना। तो बाबा जी हाथ होकर अपने जगह को छोड़कर वो चला गया है, किसी को पता नहीं है गांव वाले लोग को, लेकिन इसमें सेवक थे उनको हम लोग पूछे कि हम लोग को भी पता नहीं है वो चले गए ऐसे करके बोले, तो हम लोग को बहुत दुख लगा, गांव वालों को भी दुख लगा और मैं अपने जनप्रतिनिधि रहते हुए सरपंच रहते हुए भी मेरे को पता चला तो मेरे को बहुत दुख लगा है। इसलिए मैं आज गांव वालों को मैं यहाँ पे इकट्ठा करवाया हूँ और उनसे मैं आज सलाह मांग रहा हूँ कि बाबा जी को फिर से लाना है हमको दोबारा, फिर हमारे गांव का आस्था का जो ठेस पहुँचा उसको दोबारा से हम लोग उसको जागरूक करना चाहते हैं। इसका धन्यवाद। उग्र आंदोलन करेंगे, आगे जाएंगे हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग हमारे आस्था को मतलब ठेस पहुँचाया था, हम लोग ऐसे थोड़ी चुप रहेंगे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।